हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। माय नेम इज शिवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर सीरीज इंडिया 360 डिग्री एंड टुडे विल बी कवरिंग द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ राजस्थान। नाउ क्विकली लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सो राजस्थान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, राज्य एंड स्थान। दैट मीन्स द लैंड ऑफ किंग्स एंड दिस स्टेट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। राइट साइड पे इस विजुअल में आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, हमारा प्यारा भारत, एंड दिस शेडेड पोर्शन, दिस इज द स्टेट ऑफ राजस्थान लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। एंड दिस स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 30th मार्च is celebrated as Rajasthan Day, and this state was formed on 30th March 1949 when Rajputana was merged into the Dominion of India. Rajputana जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया में, तो जो ये राजस्थान वाला एरिया है उसको पहले राजपुताना कहा जाता था, और उसमें 18 to 19 princely states थी। जब ये princely states merge हुई Dominion of India में, तब राजस्थान की state बनी on 30th March 1949, ठीक है। And जो ये state थी medieval ages में, जो राजस्थान वाला एरिया है, that was ruled by Rajputs. A martial community, and this Rajput community, they have ruled over this state of Rajasthan, over this area of Rajasthan for many many centuries. Capital city of Rajasthan is Jaipur, which is a UNESCO site. 2019 में जो राजस्थान की जो capital है जयपुर, उसको UNESCO site में include किया गया है, ठीक है। एंड इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज 3.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। राजस्थान इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट राजस्थान वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ऑन 2 नवंबर 1959 नगौर इन राजस्थान, यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट ऑल दोज स्टेट्स एंड यूटीज जिनके बॉर्डर्स राजस्थान के साथ टच होते हैं। सो हेयर वी हैव राजस्थान, ठीक है। ये वाला येलो पोर्शन, दिस इज द स्टेट ऑफ राजस्थान, एंड दिस स्टेट शेयर्स बॉर्डर्स विथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ राजस्थान के बॉर्डर्स टच हो रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। एंड राजस्थान की वेस्ट साइड पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो दो एरियाज है पंजाब एंड सिंध, उनके साथ राजस्थान के बॉर्डर्स टच हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप की, तो राजस्थान में 7 डिविजन्स हैं, ठीक है, एंड 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस जो ये विजुअल है इसमें आप देख सकते हैं 33 छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 डिविजन्स हैं, और वो डिविजन्स हैं, सबसे पहली है बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर एंड भरतपुर। 7 डिविजन्स हैं, और राजस्थान का जो सबसे टॉप मोस्ट नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है गंगानगर, ठीक है। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज बंसवाड़ा, ईस्टर्न मोस्ट इज धौलपुर, एंड वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान इज जैसलमेर, ठीक है। अब बात करेंगे कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के साथ जिनके बॉर्डर्स टच हो रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे है पंजाब, ये वाला सारा रीजन है पंजाब राजस्थान के बिल्कुल नॉर्थ में, ठीक है। उनके साथ बॉर्डर्स टच हो रहे हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ के, ठीक है। ईस्ट वाली साइड पे सबसे पहले हरियाणा स्टेट है, हरियाणा के साथ बॉर्डर्स टच हो रहे हैं हनुमानगढ़ के, चूरू के, झुंझुनू के एंड अलवर के, ठीक है। उसके बाद इधर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर्स टच हो रहे हैं भरतपुर और धौलपुर के। बिल्कुल साउथ ईस्ट में है मध्य प्रदेश की स्टेट जिसके बॉर्डर्स टच हो रहे हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बरन, झलावर, ठीक है। उसके बाद है चित्तौड़गढ़, एंड वी हैव बंसवाड़ा, ठीक है। और इधर वाली साइड पे साउथ वेस्ट पे गुजरात है, शेयरिंग बॉर्डर्स विद बारमेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर एंड बंसवाड़ा, ठीक है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बॉर्डर्स टच हो रहे हैं गुजरात के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे स्टेट सिंबल्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। सबसे पहले है स्टेट फ्लावर रोहिदा, रोहिदा है स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। स्टेट बर्ड है
गोदावन आल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का, स्टेट एनिमल. दो है कैमल और चिनकारा. पहले एक चिनकारा ही सिर्फ स्टेट एनिमल था राजस्थान का, उसके बाद 2014 में कैमल को भी स्टेट एनिमल बनाया गया है राजस्थान का. स्टेट ट्री इज खेजरी, स्टेट डांस इज घूमर. अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है उसमें दीपिका पादुकोण का एक वेरी फेमस डांस है घूमर डांस, ठीक है. वो उस जो वो सॉन्ग है घूमर सॉन्ग, उसमें घूमर डांस ही दिखाया गया है. थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है घूमर डांस का वो. और कीप दिस इन माइंड के वो जो घूमर डांस है वो स्टेट डांस है राजस्थान का. उसके बाद स्टेट गेम है बास्केटबॉल. राजस्थान की जो मेजर रिवर्स हैं उनमें है लूनी, बानस, कालीसिंध एंड चंबल. जो लूनी और बानस रिवर हैं ये अरावली से ओरिजिनेट होती हैं. जो कालीसिंध और चंबल रिवर है ये विंध्यन माउंटेन से. जो लूनी रिवर है ये अरावली रेंज से ओरिजिनेट होके राजस्थान वाले रीजन को फीड करती हो, ये जाएगी गुजरात में. गुजरात के जो मार्शी लैंड्स हैं उनमें ये जो रिवर है ये सबमर्ज हो जाएगी, लूनी रिवर, ठीक है. उसके बाद है बानस रिवर. जो ये बानस रिवर है ये ट्राइब्यूटरी है चंबल रिवर की. और बानस पे बिसलपुर डैम बानस रिवर पे लोकेटेड है. देन वी हैव कालीसिंध, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट के ये जो विंध्यन माउंटेन्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होता है. उसके बाद है ये चंबल रिवर. हमने अभी बात की कि जो ये बानस है ये चंबल की ही ट्राइब्यूटरी है और चंबल रिवर विंध्यन माउंटेन से ओरिजिनेट होती है. और चंबल रिवर पे ही राणा प्रताप सागर डैम है, ठीक है. अब राजस्थान की अगर पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान में एट प्रेजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है. अशोक गहलोत राजस्थान के प्रेजेंट सीएम है, डिप्टी सीएम पहले सचिन पायलट थे जिन्होंने मिड जून 2020 में उनसे वो पोस्ट वापस ले ली गई है. सचिन पायलट से एट प्रेजेंट हमने अभी बात की कि जो राजस्थान के सीएम है इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो बिलोंग करते हैं. अशोक गहलोत उनका नाम है. टोटल 200 सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है. लोकसभा में राजस्थान से 25 सीट्स और राज्यसभा में 10 सीट्स हैं राजस्थान से. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट मींस के एग्जीक्यूटिव दो तरीके का है, रियल एंड नॉमिनल. हमने बहुत सारी अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बात की है कि रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट मींस यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव बॉडी है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राजस्थान में. और बाकी कई स्टेट्स की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की. हमने बहुत सारी अपनी जो इंडिया 360 की जो वीडियोस हैं उनमें बहुत सारी वीडियोस में हमने हिस्ट्री अपने हर एक स्टेट की हिस्ट्री प्रोवाइड की है. तो उसका एक बेसिक क्रक्स जान लो कि हम किसी भी स्टेट की, क्योंकि ये जो राजस्थान की जो ये स्टेट की वीडियोस हैं उनमें हमने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमें पूरी स्टेट की आपको एक क्रक्स एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा है. तो हिस्ट्री को भी हमने 5-7 मिनट में पूरी स्टेट की हिस्ट्री को कवर करना है. तो वो बेसिकली हम लोग कर कैसे रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टोन एज से. सो वी विल स्टार्ट विद स्टोन एज. स्टोन एज के बाद हम लोग चलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैदिक एज की. उसके बाद मौर्यास की, मौर्यास, गुप्तास, हम इन्हीं सब जो ये डायनेस्टीज हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे हर एक वीडियो में, मौर्यास, गुप्तास. फिर हम लोग बात करेंगे अराइवल ऑफ इस्लाम की, मिडिवल एज. देन वील टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के बाद हम बात करेंगे मुगल्स की. उसके बाद ब्रिटिश,
और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। अब जब बात करते हैं स्टोन एज की, तो जो स्टोन एज है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब जब राजस्थान की स्टोन एज की बात करेंगे, तो स्टोन एज की हम लोग पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज की बात करते हैं स्टोन एज में। तो मेसोलिथिक एज में जो एक पर्टिकुलर एरिया है बगौर इन राजस्थान, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टोन एज की बात करते हैं राजस्थान में, तो ये जो बगौर एरिया है राजस्थान का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस वाज अ वेरी फर्स्ट एरिया जहाँ पे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंस मिले थे, ठीक है। उसके बाद चालकोलिथिक एज की हम लोग बात करते हैं, चालकोलिथिक एज स्टोन एज के बाद, और जो ये चालकोलिथिक एज थी ये राजस्थान वाले एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो अहार बनस कल्चर है वो प्राइमरीली जो राजस्थान वाला एरिया है, जहाँ से जो बानस रिवर हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी बात की थी जिसके बारे में, तो वहाँ पे लोकेटेड है जो अहार बनास वाला जो कल्चर है, ठीक है, एंड दिस बिलोंग्स टू चालकोलिथिक एज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जब राजस्थान की इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, तो राजस्थान का एक मेजर एरिया है कालीबंगा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर, एक मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैदिक एज की। वैदिक एज वो एज थी जहाँ पे जो ये सारा रीजन था पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया के आसपास का भी जो सारा रीजन था, वो छोटे छोटे महाजनपदास में बदल गया था। टोटल 16 महाजनपदास बन गए थे वैदिक एज में, और उनमें से जो दो महाजनपदा थे, एक था मत्स्य और दूसरा है ब्रह्मवर्ता, ये जो दो किंगडम्स बने थे ये राजस्थान वाले एरिया से ही बने थे। उसी में राजस्थान के कुछ कुछ एरियाज, कुछ मत्स्य वाले एरिया में जो किंगडम है मत्स्य का, उसमें इंक्लूडेड थे, और कुछ थे ब्रह्मवर्ता वाले रीजन में, ठीक है। उसके बाद जो राजस्थान वाला रीजन है, दैट हैज सीन द राइज एंड फॉल ऑफ वेरियस डायनेस्टीज, बी इट मौर्यास, गुप्तास एटसेट्रा। अब 7th century तक आते आते जब इस्लाम का अराइवल हो रहा था इंडिया में, ठीक है, तो उसी वक्त जो राजस्थान वाला रीजन है वहां पे राजपूत, उसी एज में राजपूत का राइज हमें देखने को मिलता है राजस्थान वाले एरिया में। हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि जो राजपूत हैं उन्होंने बहुत कई सेंचुरीज तक जो राजस्थान वाला रीजन है उसमें रूल किया है, एंड दीज राजपूत वर अ मार्शल कम्युनिटी, ठीक है। तो राजपूत ने 700 to 1200 AD तक राजस्थान वाले एरिया में रूल किया है। जब राजपूत की बात करते हैं, तो सबसे पहले हैं प्रतिहारास 700 AD में टिल 1000 AD, जो ये राजपूत प्रतिहाराज है ये रूल कर रहे थे। उसके बाद बहुत सारी जो स्मॉल क्लैंस थे, बी इट चौहान हो गए, ठीक है, जिन्होंने अजमेर पे रूल किया था, उसके बाद परमार्स हो गए, तो इनमें सुपरमेसी को लेके इनमें बहुत सारे क्लैशेस हुए जो 1000 AD के बाद, प्रतिहाराज के रूल के बाद, ठीक है। अब प्रतिहाराज के बाद 1100 to 1200 AD यहाँ पे चौहान का रूल हमें देखने को मिलता है राजस्थान वाले रीजन में। पृथ्वीराज चौहान एक मेजर रूलर थे इस वाले रीजन में, ठीक है, एंड पृथ्वीराज चौहान इज़ वेरी मच नोन फॉर हिज बैटल अगेंस्ट मोहम्मद घोरी, ठीक है, बैटल ऑफ तरेन, इसके बारे में हमने अपनी हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हैं उन बुक्स में पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा है। पृथ्वीराज चौहान जो चौहान का रूल था, उसके बाद जो ये राजस्थान वाला रीजन था वो छोटे छोटे किंगडम्स में बंट गया था, और उन किंगडम्स में जो एक मेजर किंगडम था वो था मेवाड़ रीजन, ठीक है, मेवाड़ रीजन।
और यहाँ तक आते आते दिल्ली सल्तनत का रूल भी इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया था. एक हमें एक क्लैश देखने को मिलता है, ओपोजिशन जो मेवाड़ के जो रूलर्स थे और साथ ही में राजस्थान के जो और भी एरियाज हैं उनके जो रूलर्स थे उनकी तरफ से एक ओपोजिशन देखने को मिलता है, बी इट टूवर्ड्स दिल्ली सल्तनत और या फिर मुगल्स. दिल्ली सल्तनत में जैसे जो राजस्थान के जो रूलर्स थे, चाहे बात करें राणा सांगा की या फिर राणा कुंभा की, तो उनकी ओपोजिशन हमें देखने को मिलती है. और उसके बाद जब मुगल्स की हम लोग बात करते हैं, मुगल्स में महाराणा प्रताप हेमू, ये राजस्थान का जो रीजन है वहाँ के जो मेजर कुछ मेजर रूलर्स हैं जिन्होंने जो मुगल्स के अगेंस्ट, बी इट बाबर हो गए या हुमायूं हो गए, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने बैटल्स की थी. हेमू ने जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है उसमें पार्टिसिपेट किया था. जो महाराणा प्रताप है उन्होंने भी मुगल्स के अगेंस्ट, उन्होंने ही रेज्ड हिज वॉइस, ही रेज्ड हिज आर्म्स अगेंस्ट वेरियस मुगल रूलर्स. ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि जब मुगल्स का इंडिया में रूल था तो मुगल्स वर द वन जिनके टाइम पे जो राजस्थान के जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे वो कोलैबोरेट होके इंटीग्रेट होके एक यूनिफाइड एरिया में बन गए थे. लेकिन जब मुगल्स का स्पेशली ये जब हुआ, ये अकबर के टाइम में हुआ, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ मुगल एज जब बहादुर शाह का जब रूल आया तो उस टाइम तक ये जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, बिकॉज जो मुगल रूल था वो स्लोली स्लोली उनकी जो पार्ट थी वो वीक हो रहे थे, तो ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने खुद को डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो उनकी एक इंडिविजुअलिटी हमें इस रीजन में देखने को मिली टुवर्ड्स द एंड ऑफ मुगल एज. ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश रूल. अब ब्रिटिश रूल तक आते आते जो ब्रिटिश का हम समवेयर 1800 में उनकी सुप्रीमेसी हमें देखने को मिली इंडिया के सारे रीजन्स में, एंड 1818 की एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन. तो 1818 की एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सबॉर्डिनेट अलायंस. तो उस ट्रीटी के अंडर जितने भी जो ये छोटे छोटे प्रिंसली रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिश की सुजरैनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था. ठीक है, और उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ. 1857 के रिवोल्ट के बाद जो सारा इंडिया था वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी ने जो एक मूवमेंट चलाई थी उनके साथ लग गए, एंड एज अ रिजल्ट 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. और जो आज का राजस्थान है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस 30th मार्च 1949 को बना, जब जो राजपूताना वाला जो सारा रीजन है जो कि छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को मिला के बना हुआ था. तो यहाँ तक आते आते 30th मार्च 1949 तक आते आते वो जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो राजस्थान वाला, जो राजपूताना वाला सारा एरिया था और उसके साथ ही कुछ और एरियाज जो थे, अजमेर मारवाड़ वाला सारा रीजन, वो इंटीग्रेट होके जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ राजस्थान है वो बना. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ वील टॉक अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान. राइट साइड पे आप इस विजुअल में देख सकते हैं. तो राजस्थान की जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो जो ये अरावली रेंज है, अरावली रेंज, ये दिस एक्ट एज अ वाटर शेड. और जो ये अरावली रेंज है ये राजस्थान वाले सारे रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. अरावली के जो ईस्ट वाला रीजन है वो कंपेरेटिवली वेस्ट वाले रीजन से ह्यूमिड है एंड फर्टाइल है. ठीक है, और जो अरावली रेंज है, अरावली के जो वेस्ट वाला सारा रीजन है वो थार डेजर्ट के अंडर आता है, कंपैरेटिवली ड्राई है और इनफर्टाइल है. एंड कीप दिस इन माइंड के जो राजस्थान का सारा ज्योग्राफिकल एरिया है 70% ऑफ दैट एरिया इज अंडर थार डेजर्ट. ठीक है, अब जो हमने अभी बात कर रहे थे कि द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान वेरीज थ्रू आउट राजस्थान. अब राजस्थान की सॉइल्स की बात करें तो प्राइमरीली राजस्थान की जो सॉइल्स हैं, बिकॉज ज़्यादातर ड्राई एरिया है तो कंपैरेटिवली सेलाइन है राजस्थान की जो प्राइमरीली सॉइल्स हैं. लेकिन राजस्थान का जो ये हदोती वाला रीजन है यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है. जो ये सारा पर्पल शेड में आप रीजन देख सकते हैं ये हदोती रीजन है और यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है. That is very good for cotton cultivation.
ठीक है, हम बात कर रहे थे अरावली रेंज की, तो अब इसका थोड़ा सा फेनोमिना समझ लो कि जो अरावली के ईस्ट वाला रीजन है वो कंपैरेटिवली ह्यूमिड है और वेस्ट वाला रीजन वो कंपैरेटिवली ड्रायर क्यों है, बिकॉज जो रेनफॉल है ना वो इस तरीके से आती है और अरावली रेंज से टकरा के जो अरावली के ईस्ट वाला सारा रीजन है वहाँ पे रेनफॉल हो जाती है। जो विंड्स है वो जो जो भी मॉइस्चर कैरी करती हैं वो अरावली के ईस्ट वाले सारे रीजन पे वो रेनफॉल प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो ये जो विंड्स हैं वो अरावली की जो माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, उनको क्रॉस करके अरावली के वेस्ट साइड पर नहीं जा पाती, एंड एज अ रिजल्ट अरावली के जो वेस्ट वाला सारा रीजन है, जो थार वाला सारा रीजन है, वो कंपेरेटिवली ड्राई रह जाता है। ठीक है, अब बात करें राजस्थान के फौना एंड फ्लोरा की, तो फॉरेस्ट वेजिटेशन इज़ ओनली 9% इन राजस्थान, रीज़न बीइंग के जो 70% एरिया है राजस्थान का वो कंपैरेटिवली ड्राई है। ठीक है, ट्री स्पीशीज की बात करें तो टीक, बैम्बू, अकेशिया एंड खेजरी, खेजरी की हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में भी बात की थी। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो एंटीलोप्स, इंडियन गजेल्स और चिंकारास, इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर, ब्लैक बक, नीलगई और ब्लू बुल। राजस्थान में मेजर लेक्स पिचोला, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप एंड सांबर साल्ट लेक। राजस्थान की जो एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, दैट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, और ये मेजर जो लेक्स है, चाहे पिचोला लेक हो गई, उदय सागर या फतेह सागर, ये जो लेक्स है ये उदयपुर की रीजन में ही देखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वील टॉक अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में प्राइमरली 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, रणथंबोर, सरिस्का एंड मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व। ठीक है, रणथंबोर इज लोकेटेड इन स्वाई माधोपुर रीजन, बाउंड बाय चंबल एंड बानस रिवर्स। सरिस्का अलवर में है एंड वेरी मच नोन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स, एंड कीप दिस इन माइंड के जो फर्स्ट एवर टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर रिलोकेशन एंड रिहेबिलिटेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, वो सरिस्का जो का जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे की गई थी। उसके बाद है मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व कोटा में, देन वी हैव डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में, वेरी मच नोन फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देन वी हैव किलाडियो नेशनल पार्क भरतपुर में, ऑल्सो जिसको प्रीवियसली भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता था, जो किलाडियो नेशनल पार्क है, दैट इज़ वेरी मच नोन फॉर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए फेमस है। देन वी हैव चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, जो ये चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर्स पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो चंबल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 3 स्टेट्स के बॉर्डर्स पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वील टॉक अबाउट फ्यू अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान के अगर हिल स्टेशंस की बात करें तो हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी, कंपैरेटिवली ये एक वार्मर रीजन है, लेकिन राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है वो है माउंट आबू। ठीक है, एंड गुरु शिखर पीक राजस्थान की हाईएस्ट पीक है, अरावली रेंजेस में लोकेटेड है। देन वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें थी, दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राम सागर, रणथंबोर, क्योलाडियो, भरतपुर, सरिस्का, ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वेरी इंपॉर्टेंट जो राजस्थान के, जब हम लोग ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में जो ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल्स कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। मेजर ट्राइब्स सबसे पहली है मीना ट्राइब, मोस्ट ऑफ हुम आर फार्मर्स, ये कंपैरेटिवली ये एक एडुकेटेड ट्राइब है मीना ट्राइब। देन वी हैव बंजारास, बंजारास आपके यूपीएससी एग्जाम में एक बार पूछ चुकी है यूपीएससी, तो बंजारास आर ट्रैवलिंग ट्रेडर्स। ठीक है, देन वी हैव गदिया लोहार, लोहार आर दोज पीपल जो आयरन इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं, एंड दीज लोहार्स मेक एग्रीकल्चरल एंड हाउस होल्ड इम्प्लीमेंट्स। देन वी हैव भील ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट, भील्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटीज इन राजस्थान, पोजेसिंग ग्रेट स्किल्स इन आर्चरी। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान में कुछ और जो ट्राइब्स हैं वो है गरासिया, सहारिया, रबाड़ी, हु आर कैटल ब्रीडर्स। ठीक है, एंड हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, समटाइम्स ओवर शेडोड बाय द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट। राजस्थान में मेजर रिलीजन हिंदुइज्म है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है
इस्लाम इस्लाम स्टेट की सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी है, बिकॉज राजस्थान में जो मुस्लिम इन्वेडर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं सिंस 12th century. जैनिज्म एक मेजर रिलीजन है राजस्थान में, और कीप दिस इन माइंड के जो जैनिज्म है वो राजस्थान की जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनका एक मेजर रिलीजन है. राजस्थान में हमें जैनिज्म से रिलेटेड बहुत सारे आर्ट आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिले हैं और हेरिटेज साइट्स भी बहुत सारी जैनिज्म से रिलेटेड, चाहे दिलवारा जैन टेम्पल हो गया फॉर एग्जांपल, तो ऐसी कुछ साइट्स हैं वो जैनिज्म से रिलेटेड राजस्थान में देखने को मिली हैं. नेक्स्ट अब बात करेंगे राजस्थान की इकोनॉमी की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ लॉन्ग बीन द मेन स्टे ऑफ राजस्थान्स इकोनॉमी. वीट एंड बार्ली आर द मेजर क्रॉप्स, उसके अलावा पल्सिस, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स. राजस्थान की कैश क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन एंड टबैको, हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कॉटन इन ग्रोनिंग के, राजस्थान की जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है वहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है. राजस्थान इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, ठीक है. उसके अलावा राजस्थान हैज़ रिच सॉल्ट डिपॉजिट्स एट सांभर, कॉपर माइंस एट खेतरी झुंझुनू एंड जिंक माइंस एट दरीबा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान हैज़ रिच सॉल्ट डिपॉजिट्स एट सांभर, उसके अलावा कॉपर माइंस एट खेतरी एंड झुंझुनू एंड जिंक माइंस एट दरीबा. अ मेजर पोर्शन ऑफ कंट्रीज जिप्सम एंड सिल्वर ऑयल आर प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लोकेटेड है राजस्थान में एट रावत भाटा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राजस्थान का जो सर्विस सेक्टर है वो भी काफ़ी ग्रो हुआ है, एंड बिकॉज के राजस्थान में टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए सर्विस सेक्टर कंपैरेटिवली बहुत ही हाई स्पीड पे ग्रो हो रहा है राजस्थान में, ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के मेजर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की, तो राजस्थान में बहुत सारी जगह पे जो कैमल से रिलेटेड फेयर्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. एक कैमल फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है बीकानेर में, उसके अलावा नगौर रीजन में भी कैमल फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है. देन वी हैव पुष्कर फेयर इन अजमेर, वेरी इंपॉर्टेंट. जो पुष्कर फेयर है वो एक इंटरनेशनल फेयर है, यहाँ पे लोग ओवर द ग्लोब आते हैं कैमल फेयर को देखने के लिए, ठीक है. एंड देन वी हैव गंगौर फेस्टिवल, जयपुर में प्राइमरीली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द मंथ ऑफ चैत्रा. हमने गंगौर फेस्टिवल के बारे में अपनी जो हरियाणा वाली वीडियो थी उसमें भी बात की थी. ये गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वर्शिप शिवा एंड पार्वती, ठीक है. एंड इसमें क्या होता है कि जो वीमेन है दे कैरी ब्रास पोर्ट्स ऑन देयर हैंड्स ऑन देयर हेड, और उसमें वो अर्दन दियाज रखते हैं और उनको लाइटन अप करके दे विजिट द टेम्पल्स ऑफ द डाइटीज ऑफ शिवा एंड पार्वती, ठीक है. एंड देन वी हैव तीज फेस्टिवल, तीज के बारे में हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात की है. तीज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मानसून, ठीक है. एंड दिस तीज फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, ठीक है. एंड देन वी हैव गोगा जी फेयर, गोगा जी के बारे में भी हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात की है. गोगा जी वॉज अ लोकल एक रूलर थे राजस्थान के, बट ओवर टाइम वो एक एसेटिक बन गए थे और उनको बहुत सारे लोग राजस्थान के इवन नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गोगा जी को वर्शिप किया जाता है, एंड उनको गोगा जहार पीर भी कहा जाता है, ठीक है. एंड देन वी हैव चंद्रभाग फेयर झलावर में, कोल्याट फेयर इन बीकानेर. कोल्याट फेयर, कोल्याट एक ऐसी प्लेस है, एक सेक्रेड साइट है जहाँ पे बिलीव किया जाता है कि कपिल मुनि ने वहाँ पे मेडिटेशन की थी, ठीक है. तो ये राजस्थान के कुछ मेजर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट फोक डांसेस ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान. सबसे पहले है घूमर डांस, परफॉर्म्ड ऑन फेस्टिव ओकेजन्स बाय विमेन ओनली. अगर आपने घूमर डांस के बारे में अपने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी, हियर यू कैन सी दीपिका पादुकोण परफॉर्मिंग घूमर, और जो ये विजुअल है ये हमने जो पद्मावत मूवी है वहाँ से लिया है, ठीक है. देन वी हैव गैर फेस्टिवल, गैर डांस पे ये परफॉर्म किया जाता है. जो गैर डांस है ये गैर फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है बाय बोथ मैन एंड वुमन, और जो ये डांस है ये परफॉर्म किया जाता है बाय भील कम्युनिटी. देन वी हैव चरी डांस, बिलोंग्स टू गुज्जर कम्युनिटी एंड ओनली वीमेन परफॉर्म दिस डांस. इस विजुअल में आप देख सकते हैं ये है चरी डांस, यहाँ पे वीमेन कैरिंग पोट ऑन देयर हेड्स, ठीक है, और उसको उसमें दियाज रख के उनको लाइटन अप करके ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है. देन वी हैव कच्ची घोड़ी डांस, परफॉर्म बाय मैन ओनली ऑन डमी हॉर्सेस. इस विजुअल में आप देख सकते हैं कच्ची घोड़ी डांस का विजुअल, परफॉर्म बाय मैन ऑन डमी हॉर्सेस, ठीक है.
नेक्स्ट देन वी हैव फायर डांस. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट डांस टू परफॉर्म कैरिड आउट बाय बंजारा कम्युनिटी. फायर डांस में जो चारकोल होता है, बर्न चारकोल, उस पर डांस परफॉर्म किया जाता है बाय बोथ मैन एंड जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी ये जो फायर डांस है ये परफॉर्म करते हैं टू वू देयर लोकल डाइटीज. ठीक है. देन वी हैव तेरा ताली डांस. तेरा ताली डांस परफॉर्म बाय कमादा ट्राइब हु आर ट्रेडिशनल स्नेक चार्मर्स. तेरा ताली, जो तेरा ताली है वो डांस फॉर्म में क्या होता है कि वीमेन यूजली परफॉर्म दिस डांस. उसमें दे टाई ब्रास प्लेट्स, स्मॉल स्मॉल ब्रास प्लेट्स जिनको मंजीरास कहा जाता है. दे टाई दिस ब्रास प्लेट्स ऑल ओवर देयर बॉडी एंड दे कैरी टू मंजीरास इन देयर हैंड्स एंड दे हिट दोज मंजीरास विद द दो मंजीरास दे टाइड ऑन देयर हैंड्स. तो जो हाथ में जो मंजीरास होते हैं जब वो बाकी मंजीरा से व्हेन दे हिट दोज मंजीरास अ साउंड इज क्रिएटेड, अ म्यूजिक इज क्रिएटेड एंड वुमेन परफॉर्म डांस ऑन दैट म्यूजिक. ठीक है, वो होता है तेरा ताली डांस. देन वी हैव कलबेलिया डांस परफॉर्म बाय स्नेक चार्मर्स. कलबेलिया एक कलबेलिया ट्राइब है, वो ये कलबेलिया डांस परफॉर्म करते हैं और ये एक यूनेस्को इनटेंजिबल हेरिटेज साइट में इस डांस फॉर्म को इंक्लूड किया गया है. इस राइट साइड में इस विजुअल में आप देख सकते हैं वीमेन परफॉर्मिंग कलबेलिया डांस परफॉर्म बाय स्नेक चार्मर कम्युनिटी. ठीक है. देन वी हैव कठपुतली डांस. कठपुतली डांस ये एक पपेट डांस फॉर्म है, इस विजुअल में आप देख भी सकते हैं कठपुतली डांस. ठीक है. देन वी हैड पबजी की फाड़. ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है. पबजी वॉज अ लोकल रूलर जो बाद में एसेटिक बन गए थे और जो पबजी हैं उनको राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हैं. तो जो भोपा एक कम्युनिटी है, भोपास, ये एक कम्युनिटी है म्यूजिशियंस की, सिंगर्स की, जो ये जो पबजी को वर्शिप करते हैं और उनकी प्रेज में वो सॉन्ग्स गाते हैं. ठीक है. दैट इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट पबजी की फाड़. ठीक है. नेक्स्ट नाउ वी हैव फ्यू हैंडीक्राफ्ट जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस हैं. एक है कार्व्ड वुडन फर्नीचर. देन वी हैव बंधनी दुपट्टा. देन वी हैव मोजड़ीज. फुटवेयर्स हैं काफ़ी इंट्रिकेट, इन पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है. मोजड़ीज आर जो राजस्थान के जो लोकल फुटवेयर्स हैं उनको मोजड़ीज कहा जाता है. देन वी हैव मीनाकारी. बहुत ही इंट्रिकेट इन पे जो ज्वेलरी है उन पे बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स की जाती हैं, वो है मीनाकारी. देन वी हैव ब्लू पॉटरी. इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है. ब्लू कलर की ये पॉटरी होती है. ये राजस्थान का एक बहुत ही फेमस हैंडीक्राफ्ट है ब्लू पॉटरी. देन वी हैव राजस्थानी क्विल्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट नाउ वील टॉक अबाउट राजस्थानी पेंटिंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. दीज राजस्थानी पेंटिंग्स इंक्लूड मुरल्स, फ्रेस्कोज एंड मिनिएचर पेंटिंग्स. मिनिएचर पेंटिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स इन इंडिया. एंड कीप दिस इन माइंड के जो राजस्थानी जो पेंटिंग्स हैं दीज आर इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द एडवेंट ऑफ वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स, रामानंद, तुलसीदास, कबीर एंड रायदास. एंड दिस लेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पेंटिंग्स. जो राजस्थानी पेंटिंग्स हैं बहुत ही ब्राइट कलर की पेंटिंग्स होती हैं और उनमें जो ब्राइट कलर्स जैसे कि रेड एंड येलो कलर्स प्राइमरीली यूज़ किए जाते हैं. एक और मेजर फीचर है राजस्थानी पेंटिंग्स का, वो है फेमिनाइन ब्यूटी इज़ वेल पोर्ट्रेड. ठीक है. एंड जो राजस्थानी जो पेंटिंग्स हैं उनके सब स्टाइल्स की बात करें तो कोटा, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़. किशनगढ़ में बनी थानी पेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किशनगढ़ पेंटिंग से वो रिलेट करती है, बिलोंग करती है. एंड देन वी हैव मेवाड़ एंड जयपुर स्कूल. फाड़ पेंटिंग्स, पबजी की फाड़ हमने अपनी प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें भी बात की थी. एक फोक डांस है. ठीक है. और पबजी की जो फाड़ है उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं लॉन्ग स्क्रोल्स ऑफ फैब्रिक पे. एंड भोपा हमने कम्युनिटी की बात की थी, वो प्रीस्ट सिंगर्स हैं. दे कैरी दीज फाड़्स विच सर्व एज टेम्पल्स ऑफ देयर फोक डाइटीज. जो पबजी हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं भोपास, वो ये पेंटिंग्स कैरी करते हैं जहाँ भी जाते हैं. एंड दीज पेंटिंग्स एक्ट एज टेम्पल्स. ठीक है. नेक्स्ट देन वी हैव पिचवई पेंटिंग्स. जो पिचवई पेंटिंग्स हैं दीज आर अगेन डन ऑन क्लोथ इन नाथ द्वारा टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड श्रीनाथ जी. एंड दिस इज द रीज़न कि जो ये पेंटिंग्स है इनका एक रिलीजियस कैरेक्टर है. देन वी हैव काजली पेंटिंग्स. राइट साइड पे इस विजुअल में आप काजली पेंटिंग्स देख सकते हैं. ब्लैक एंड वाइट कलर की ये पेंटिंग्स होती हैं. रीज़न बीइंग के इन पेंटिंग्स के जो कलर्स हैं
They are made from stone colors and black kajal. Handmade ये paintings होती हैं, इनमें किसी भी तरीके का brush use नहीं किया जाता है. Those are kajali paintings, belong to state of Rajasthan. Then we have few religious places. सबसे पहले है बिरला मंदिर. Then we have Jain temple Ranakpur. ये इस विजुअल में आप देख सकते हैं, दिस इज जैन टेम्पल रनकपुर. और इसका एक मेजर फीचर है कि दिस जैन टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक ऑफ मार्बल. देन वी हैव अजमेर शरीफ की दरगाह, विच इज़ अ ग्रेव ऑफ सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती. दिलवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू, इस विजुअल में आप देख सकते हैं बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स इनकी वॉल्स पे की हुई हैं, दिलवाड़ा जैन टेम्पल इन माउंट आबू. देन वी हैव सालासर बालाजी का टेम्पल एट चूरू एंड खाटू श्याम जी टेम्पल एट सिकर. ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं राजस्थान में वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले जंतर मंतर, इसको 2010 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में. देन वी हैव सिक्स हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, 2013 में इनको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को साइट की लिस्ट में. एंड क्यूलाडियो नेशनल पार्क, 1985 में इनको यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया था. एंड वेरी रिसेंटली जयपुर सिटी, द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर, 2019 में इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को लिस्ट में. ठीक है, अब जल्दी से राजस्थान के जीआई टैग्स को एक बार देख लो. सबसे पहले है कोटा डोरिया, एक तरीके का फैब्रिक होता है. ठीक है, उस फैब्रिक क्योंकि जो थ्रेड्स हैं उनको वीव करके ये फैब्रिक बनाया जाता है. कोटा डोरिया हैंडलूम, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है जीआई टैग. देन वी हैव फुलकारी, फुलकारी ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान तीनों स्टेट से बिलोंग करती है फुलकारी का जीआई टैग. देन वी हैव ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में इसको दिखाया भी था ब्लू पॉटरी. इसको ब्लू पॉटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये पॉटरी है इस पर प्राइमरली ब्लू कलर यूज़ किया जाता है एंड दिस बिलोंग्स टू जयपुर, जीआई टैग मिला हुआ है उसको. देन वी हैव मुलेला क्ले वर्क. देन वी हैव कठपुतलीज ऑफ राजस्थान, बीकानेरी भुजिया. देन वी हैव बागड़ू हैंड ब्लॉक प्रिंट, क्लोथ पे हैंड ब्लॉक से प्रिंटिंग की जाती है. दैट इज़ बागड़ू विलेज से ये लोकेट बिलोंग करती है, बागड़ू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग. देन वी हैव थेवा आर्ट वर्क, ग्लास ज्वेलरी है, ग्लास की ज्वेलरी पे गोल्ड से कार्विंग्स की जाती हैं, वो है थेवा आर्ट वर्क. देन वी हैव मकराना का मार्बल, ताजमहल इज मेड फ्रॉम दिस मकराना मार्बल ओनली. ठीक है, इसको भी जी आई टैग मिला हुआ है. पोखरान की पोटरी एंड देन वी हैव सांघानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, वेरी मच सिमिलर टू बागड़ू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग. इसमें भी क्लोथ पे हैंड ब्लॉक से प्रिंटिंग की जाती है. ठीक है, सो दिस वॉज द स्टेट ऑफ राजस्थान. हमने राजस्थान की हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी विद स्पेसिफिक फोकस ऑन आर्ट एंड कल्चर, ये सब कवर कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और स्टेट के बारे में बात करेंगे. सो दैट इज़ इट फॉर द डे. थैंक यू.